संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर वाले मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। जंतर मंतर पर भी इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव जी हमारे साथ हैं, डी राजा जी यहाँ पे हैं, गौरव गोगोई यहाँ पे हैं। गौरव जी यहाँ पर आज अभी पार्लियामेंट में भी था, इससे प्रोटेस्ट हो रहा, एक बार बाहर सड़क से संसद तक सभी जगह प्रोटेस्ट इसी को लेकर। सर हमें तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री सदन में आकर बताएं कि वो मणिपुर की समस्या को कैसे हल करना चाहते हैं, क्योंकि एक साल से ज़्यादा समय पार हो चुका है और मणिपुर की हालात अभी भी संतुलित नहीं हुई है। पूरा देश चिंता से कंसर्न है, चिंतित है, और अफसोस की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि उत्तर पूर्वांचल शांत है, उत्तर पूर्वांचल में विकास हो रहा है। तो यही अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर पूर्वांचल का एक झूठा नक्शा देश को बता रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर चीज़ है। इस पे देश को चिंतन करना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री आज देश को मणिपुर और उत्तर पूर्वांचल के संदर्भ में गुमराह कर रहा है। वहीं डी राजा भी हमारे साथ हैं। सर अभी संसद में, उसके बाद सड़क पर। इट इज बीजेपी एंड द गवर्नमेंट आर मेकिंग पार्लियामेंट रिडंडेंट। We condemn this. It is the responsibility of government to engage with opposition in a meaningful way and run the parliament. And what we are demanding, there should be debate on Manipur. Why they are not agreeing? And Prime Minister and BJP always claim nation first. Now my simple question is whether they agree that Manipur is part of India or not. If सीधा सवाल है कि बाकी सांसद भी अगर मैं दिखाऊं, मणिपुर से भी जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यानी इंडिया अलायंस जो इंडिया गठबंधन है उनका प्रोटेस्ट यहाँ पे है, जयराम रमेश यहाँ पर थे। कुल मिला के संसद में भी इस मामले को लेकर अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, अब सड़क पर भी जंतर मंतर पर इस मामले को लेकर इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैमरा साहिल के साथ विनय सिंह, न्यूज 24 दिल्ली।